पड़र का डिब्बा बोलो मिस्टर कितना डिब्बा आठ तीन चार पाँच छः सात आठ डिब्बा बोलो मिस्टर कितना डिब्बा छः तीन चार पाँच छः अब ऑर्डर पड़र का डिब्बा बोलो मिस्टर कितना डिब्बा पाँच पाँच माँ और खा गए पाँच हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और अभी का जो टाइम हो रहा है वो आफ्टरनून है और मैं इन बच्चों के साथ खेलने आई हूँ। और ये जो गेम खेल रहे हैं गेम का नाम है आती पाती। आती पाती मतलब कि जो भी चोर होगा वो कोई एक पत्ता का नाम बोलेगा जिससे वो सभी को जाके छूना पड़ेगा। और इसमें और एक रूल है कि इसमें दो सर्कल बनाए जाते हैं, एक सर्कल में जो चोर बनता है वो रहता है, दूसरे सर्कल में साधा रहता है। जैसे इसने नीम का पत्ता बोला और वो भाग गया। और एक रूल है, अगर आप उस बड़े सर्कल के अंदर रहोगे तो आपको छूने से आप चोर नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप सर्कल से बाहर निकल गए और नीम पत्ता नहीं है तो आप चोर हो सकते हैं। तो बहुत ऐसे होते हैं जो यही प्यार के सर्कल के अंदर ही रहते हैं। इसको ये प्रॉब्लम हो गया है कि सर्कल के अंदर है और इसे छू लिया है, तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम सर्कल के अंदर है और हमको छुआ है, तो ये नहीं होगा। अब वो गेम खत्म हो गया, अब हम लोग का नया गेम स्टार्ट हुआ है अंडा चोर। तो हम लोग ये वाला फिर से एक होता है कि एक सलाई दो सलाई तीसरा बोले राब सलाई, ऐसे हम लोग करके एक एक करके आउट करते हैं और जो लास्ट में बचता है वही चोर होता है। अगर आप विलेज पे रहे हो या फिर विलेज में रह के ऐसा गेम खेले हो तो आपको पता होगा कि कैसे हम लोग ये मतलब चोर को निकालते हैं ऐसे ऐसे करके, जो जिसका अलग होता है उसको हम लोग साइड कर देते हैं। आपको हर विलेज में ये सारे गेम्स खेलते हुए बच्चे दिखेंगे क्योंकि विलेज में यही सारे गेम्स होते हैं। अगर आप विलेज पे कभी रहे हो तो आप देखे ही होंगे, अगर आप भी कभी बचपन में विलेज में रहे हो तो आप भी खेले ही होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा खेलती थी ये सारे गेम बचपन में। ये सारे गेम्स होते हैं लेकिन हर जगह पे हर गेम का अलग अलग नाम होता है। जैसे यहाँ पे आती पाती वाला है, कहीं और पे कुछ दूसरा होगा उसका नाम, लेकिन गेम सबका सेम ही होता है। हम बच्चे ना लो अब तुम रिकॉर्ड करो इधर से। एक सलाई दो सलाई जैसे ही हम लोग का गेम स्टार्ट हुआ मैंने अपना मोबाइल को साइड में रख दिया था, तो बच्चे पूरा उसके पीछे लगे हुए थे, बार बार उधर ही देख रहे थे और डांस किए जा रहे थे, उनका गेम पे फोकस ही नहीं था। और आधा से अधिक बच्चों को तो खेलना ही नहीं आ रहा था, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गेम क्या है। तो बच्चे काफ़ी छोटे हैं और ये सब ज़्यादा कंचा खेलते हैं तो इन्हें उतना मालूम नहीं था, फिर भी हम लोगों ने खेलना स्टार्ट किया। एक्चुअली इस गेम में पांच ही लोग का खेलना होता है, लेकिन बच्चे जीत करके नहीं है मैं भी खेलूँगा लोग चलो सब आ जाओ, हम लोग टोटल 10 थे। लेकिन अंडा चोर में क्या होता है कि बस पांच ही लोगों का ज़रूरत होता है, चार रूम में चार और एक चोर। हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले पाँच खेलेंगे फिर पाँच खेलेंगे, तो हमने फिर क्या किया कि पांच लोग पहले खेले और हम लोगों ने कहा कि जब हम लोग सारे आउट हो जाएंगे फिर तू लोग का गेम स्टार्ट होगा, और हम लोग खेलने लगे। Yeah.
स्टार्ट हो गया है दूसरे टीम का मैच और इसमें पांच जन है जिसमें पांचों के पांचों को सही से समझ नहीं आता है गेम क्या है लेकिन ये खेले जा रहे हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।